जब सर्दी और इन्फेक्शन के कारण हमें जुकाम और खांसी हो जाती है तो खांसी और जुकाम के ये लक्षण केवल खांसी की दवाई से ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से खांसी जुकाम के लक्षण बढ़ते जाते हैं। इसलिए खांसी की दवाई के साथ साथ डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक मेडिसिंस भी प्रेस्क्राइब की जाती हैं। एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ जब खांसी का इलाज लिया जाता है तो ये जल्दी ठीक हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में, जो खांसी के इलाज में दी जाने वाली एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेनाड्रिल कफ सिरप कैसे काम करती है, इसकी एज के अकॉर्डिंग क्या डोज लेनी चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस दवाई को लेने का सही तरीका क्या है और इस दवाई को लेने के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखना ज़रूरी है। बेनाड्रिल कफ सिरप में तीन अलग अलग दवाइयों का कॉम्बिनेशन आता है जो अलग अलग तरीके से खांसी पर असर करती है। डेक्स्ट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड एंटी एलर्जिक की तरह काम करती है, जो नाक बहने, गले में खराश जैसे लक्षणों को कम करता है। अमोनियम क्लोराइड कफ को बाहर निकालने में हेल्प करता है। सोडियम सिट्रेट कफ को पतला करता है, जिससे ईजीली कफ बाहर आ सके। अब बात करते हैं बेनाड्रिल कफ सिरप की डोज के बारे में। 2 साल से कम एज के बच्चों को यह सिरप नहीं दी जाती है। 2 से 12 साल की एज के बच्चों को 5 ml सुबह शाम या फिर दिन में 3 बार भी दी जा सकती है। एडल्ट और 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को 10 ml सुबह शाम या दिन में 3 बार यह मेडिसिन दी जा सकती है। बेनाड्रिल सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे सिरप लेने के बाद नींद आने लगती है, चक्कर आ सकते हैं, पेट दर्द भी हो सकता है और अगर किसी की बॉडी में बेनाड्रिल सूट नहीं करती है तो एलर्जी भी हो सकती है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं और अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा सीरियस होते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। बेनाड्रिल सिरप को लेने के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखना ज़रूरी हैं। बेनाड्रिल सिरप को खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं। डॉक्टर के बताए अनुसार पूरी डोज कंप्लीट करनी ज़रूरी है, क्योंकि खांसी कभी भी एक दिन में ठीक नहीं होती है। इस सिरप का असर आने में कम से कम 3 दिन का टाइम लगता है, इसलिए इसकी डोज सही तरीके से लेना ज़रूरी है। इस सिरप के साथ शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि शराब के साथ मिलकर ये आपको सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती है। प्रेगनेंसी और दूध पिलाने वाली मदर्स को इस सिरप का यूज करना उनके बच्चे के लिए सेफ नहीं होता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको पहले से ही इस सिरप के किसी कंटेंट से एलर्जी है, या आपको लीवर या किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, अस्थमा, डिप्रेशन या हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो इस सिरप का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खांसी में जल्दी रिलीफ के लिए डॉक्टर द्वारा दी गई एंटीबायोटिक दवाइयां साथ में जरूर लेनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।